हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लोग फ्लावरिंग कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो चलिए हम लोग फ्लावरिंग कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं फ्लावरिंग कंसेप्ट तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट है द फ्लावरिंग कंसेप्ट वाज गिवेन बाई चैला ख्यान द फ्लावरिंग कंसेप्ट वाज गिवन बाई चैला ख्यान ने दिया था नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर इज द मोडिफिकेशन ऑफ सूट फ्लावर मोडिफिकेशन होता है सूट का सन 1932 में सबसे पहले चालाख्यन ने फ्लावरिंग पर लाइट के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया सन 1932 में सबसे पहले चालाख्यन साइंटिस्ट ने फ्लावरिंग पर लाइट के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट पॉइंट है इनके बाद एक फिनामिना फोटो इंडक्शन वाज वेल नोन एज इनके बाद एक फिनामिना फोटो इंडक्शन वाज वेल नोन एज तो जो फिनामिना है कंटीन्यूसन आप इफेक्ट आप फेवरेबल कंडीशन इवेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कंडी कंटीन्यूसन आप इफेक्ट आप फेवरेबल कंडीशन इवेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होता है नेक्स्ट पॉइंट है चाइलाख्यन ने, चाइला ने फोटो पीरियड के फेवरेबल कंडीशन में एक स्टूमुलस को प्रोड्यूस्ड किया चाइलाख्यन ने फोटोपीरियड के फेवरेबल कंडीशन में एक स्टूमुलस को प्रोड्यूस्ड किया इस्टूमुलस इज हार्मोनल इन नेचर स्टूमिलस इज हार्मोनल इन नेचर होता है नेक्स्ट पॉइंट है अर्थात फेवरेबल कंडीशन में प्लांट एक फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरीजेन प्रोड्यूस्ड करते हैं फेवरेबल कंडीशन में प्लांटिंग फ्लावरिंग हार्मोन, फ्लोरिजेन प्रोड्यूस्ड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लोरिजेन हार्मोन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लोरिजेन हार्मोन। फ्लोरिजेन बराबर जिब्रेलिन प्लस एंथेसिंस होता है फ्लोरिजेन इक्वल टू जिब्रेलिन प्लस एंथेसिंस होता है नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीजेन एक प्रकार का स्टीराइड्स है फ्लोरीजेन एक प्रकार का स्टीराइड्स है नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरिजेन की सिंथेथिस लीप पर होती है फ्लोरीजेन की सिंथेथिस लीप पर होती है एंड मोमेंट ऊपर की ओर होता है और मोमेंट ऊपर की ओर होता है जिसे एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं और जिसे एक्रोपिटल मोमेंट कहते हैं कॉन्सेप्ट वन तो पहला कंसेप्ट है शॉर्ट डे प्लांट में एंथेसिंस प्रजेंट होता है बट फ्लावरिंग के लिए जिब्रेलिंस का सिंथेसाइजेशन होता है कंसेप्ट वन में शॉर्ट डे प्लांट में एंथेसिंस प्रजेंट होता है लेकिन फ्लावरिंग के लिए जिब्रेलिंस का संश्लेषण होता है कॉन्सेप्ट टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स में जिब्रेलिंस प्रेजेंट होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में जिब्रेलिन प्रजेंट होता है बट फ्लावरिंग के लिए एंथेसिंस का सिंथेसाइजेशन होता है बट फ्लावरिंग के लिए एंथेसिंस का संश्लेषण होता है नेक्स्ट पॉइंट है यदि लॉन्ग डे प्लांट पर एक्स्ट्रा जिब्रेलिज की सप्लाई कर दी जाए तो इसके फ्लावरिंग टाइम कम किया जा सकता है यदि लॉन्ग डे प्लांट पर एक्स्ट्रा जिब्रेलिन्स की सप्लाई कर दी जाए तो उसके फ्लावरिंग टाइम कम किया जा सकता है अर्थात लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग शॉर्ट डे में हो जाएगी अर्थात लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग शॉर्ट डे में हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है फोटो पीरियडिज्म एंड क्वालिटी ऑफ लाइट तो पहला है ग्रीन लाइट इज इनिफिशियंट इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्रमोट नहीं होगी ग्रीन लाइट में फ्लावरिंग प्रमोट नहीं होगी ब्लू लाइट इंड्यूस्ड पुअर फ्लावरिंग फ्लावरिंग कम धीमी होगी ब्लू लाइट में फ्लावरिंग धीमी होगी रेड लाइट इंड्यूस्ड बेस्ट फ्लावरिंग फ्लावरिंग सबसे अच्छी होगी ग्रीन लाइट में फ्लावरिंग प्रमोट नहीं होगी ब्लू लाइट में फ्लावरिंग धीमी होगी रेड लाइट में फ्लावरिंग सबसे अच्छी होगी नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गन ऑफ रिसेप्शन ऑफ़ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस ऑर्गन ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह वेरीफाइड किया गया कि लिप्स आर द ऑर्गन ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह वेरीफाइड किया गया कि लिप्स द ऑर्गन ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस होता है नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्थविक एंड हिंडरिक्स एक्सपेरिमेंट बॉर्थविक एंड हैंड रिक्स एक्सपेरीमेंट्स सन उन्नीस में इन्होंने सबसे पहले फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट फाइटोक्रोम को रिपोर्ट किया था सन उन्नीस में इन्होंने सबसे पहले फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट फाइटोक्रोम को रिपोर्ट किया था नेक्स्ट है ब्राइट ब्लू या ब्लूइस ग्रीन पिगमेंट को माउजेटिया एल्गा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आइसोलेट किया गया ब्राइट ब्लू या ब्लूइस ग्रीन पिगमेंट को माउजीटिया एल्गा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आइसोलेट किया गया था नेक्स्ट पॉइंट है फाइटोक्रोम लाइट एब्जॉर्बिंग या लाइट डिटेक्टिंग क्रोमेटोफोर है फाइटोक्रोम लाइट एब्जॉर्बिंग या लाइट डिटेक्टिंग क्रोमेटोफोर होता है नेक्स्ट पॉइंट है फाइटोक्रोम पिगमेंट इज टू टाइप्स फाइटोक्रोम पिगमेंट इज टू टाइप के होते हैं पहला है पी आर फाइटोक्रोम रेड रेड लाइट फ्रॉम और दूसरा है पी एफ आर फाइटोक्रोम फॉर रेड फॉर रेड लाइट फ्रॉम बोथ पिगमेंट्स आर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बोथ पिगमेंट्स दोनों पिगमेंट्स पी आर एंड पी एफ आर पिगमेंट्स आर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम पी एफ आर एकट होता है पी एफ आर फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट एक्यूमुलेट होता है नेक्स्ट पॉइंट है जो एस डी पी एस में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है जो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है एंड एल पर फ्लावरिंग को स्टूमुलेट करता और लॉन्ग डे प्लांट पर फ्लावरिंग को स्टूमुलेट करता है नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग नाइट पी आर फ्रॉम एक्यूमुलेट होते हैं पी आर फाइटोक्रोम रेड लाइट एक्यूमुलेट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो एच में फ्लावरिंग को स्टूमुलेट करता है जो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को स्टूमुलेट करता है एंड एल में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है और एल लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है नेक्स्ट पॉइंट है यदि नाइट में एच शॉर्ट डे प्लांट को रेड लाइट दिया जाए तो पी आर फाइटोक्रोम रेड लाइट कन्वर्ट होकर पी एफ आर फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट में चेंज हो जाए तब एच डी पी एस में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी यदि नाइट में शॉर्ट डे प्लांट को रेड लाइट दिया जाए तो पी आर कन्वर्ट होकर पी एफ आर में चेंज हो जाएगी तब एच डी पी एस में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है एंड इसी प्रकार फॉर रेड लाइट रेड लाइट के बार दी जाए तो पी एफ आर अगेन कन्वर्ट इन टू पी आर और इसी प्रकार फॉर रेड लाइट रेड लाइट को बार दी जाए तो पी एफ आर अगेन कन्वर्ट इन टू पी आर नेक्स्ट पॉइंट है जो एच डी पी एस में फ्लावरिंग को इंड्यूस्ड कर देता है जो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस्ड कर देता है सो so, फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फ्लावरिंग कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स आप लोगों को बीएससी एमएससी में बॉटनी जुलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे थैंक यू एवरीवन